नमस्कार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित एक केस गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सुविधा दी जाती है उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते हैं। दरअसल जो याचिकाकर्ता थे उनकी ये बात थी कि इसमें बहुत ज़्यादा अपारदर्शिता है और इससे भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपेगा, इसलिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मना कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको 2017-18 के बजट में, केंद्रीय बजट में, यूनियन बजट में इसको पेश किया गया था और तब से ये चल रहा है। SBI की शाखा में जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको बहुत सारे लोग चंदा देते हैं, कोई निजी फर्म हो सकता है या कोई पर्सनल व्यक्ति हो सकता है या एक समूह हो सकता है, मिलकर के वो चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सहयोग करें, धनराशि उसको मुहैया कराएं ताकि वो अपना पार्टी प्रचार ये सब काम कर सकें सही तरीके से। तो वो सोचते हैं पार्टी को मदद करें, पार्टी भी चाहती है कि उसको बहुत सारा क्राउड फंडिंग हो, ये सब चीज़ मिले, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी देती हैं, सरकार को भी जहां तक है इसके बारे में व्यवहारिक समझ होता है कि उसको कहां से कितनी मात्रा में चंदा मिल रही है। तो उसके लिए एक सुविधा की जाती है कि जैसे कोई व्यक्ति जा करके सीधा पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है तो उससे सीधा सीधा जनता की नज़र में आता है कि इसने दिया और इतनी मात्रा में दिया। और जब उसी को एक संस्थागत तरीके से किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि X नाम का कोई व्यक्ति है उसको Y नाम की पॉलिटिकल पार्टी को कुछ धन देना है, तो वो SBI की शाखा में जाएगी, केवल SBI की शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ पर जाएगी तो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,000 के गुड़कों में वो कई सारे बॉन्ड या एक बॉन्ड खरीद करके एक निश्चित पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वो खरीद सकती हैं और पैसा वहाँ पर जमा कर सकती हैं। 10 दिन के अंदर में जमा करना होता है, फिर सारा का सारा पैसा जो है वो RBI के पास जाता है और उसको पता रहता है कि ये धन जो है किसने दिया है, और पॉलिटिकल पार्टी को ये चीज़ नहीं पता रहता है कि ये धन किसको दिया, किसने हमें दिया है। यानी सैद्धांतिक रूप से ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता होता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, जबकि जो देने वाला है, दान करता है, उसको पता होता है। जबकि बहुत सारे आलोचक का कहना है कि व्यवहारिक समझ ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता होता है कि कितनी मात्रा में चंदा कहाँ पर आ रहा है। एग्जांपल के लिए जो 2017 से या 2018 से 2021 के बीच में करीब 6,500 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया, जिसमें ये पता चला कि 95% ऑफ जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वो किसी एक खास पार्टी के लिए खरीदे गए हैं। तो इससे क्या है कि अपारदर्शिता समझ में आ सकती है और पार्टी को पता चल सकता है कि किसने हमें दिया है, और जब अपारदर्शिता रहती है तो उससे ये भी होता है कि पार्टी जब समझ जाती है कि फला कंपनी ने मेरा सहयोग नहीं किया है या उसने किसी दूसरे पार्टी को सहयोग राशि दी है, क्योंकि अंततः जाती है वो RBI के पास, RBI सरकार के अंडर में है, तो कहीं ना कहीं से इस बात की जानकारी हो सकती है। ऐसा आलोचक का कहना है कि सरकार को इस बात का जब पता चल ही जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से उसके पास आ रहा है पैसा, तो वो किसी कंपनी के साथ गलत नीति का प्रयोग करके उसको नुकसान पहुंचा सकती है और अपने सहयोगी कंपनी का वो ज़्यादा लाभ दे सकती है, यानी फेवरेटिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इसके खिलाफ जो है याचिका डाली गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उसने टिप्पणी कर दी है कि इसको अभी बंद नहीं किया जाएगा। इस पे आप अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें क्या लूप होल्स और क्या कमियां हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।